नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब पे। इसमें दोस्तों तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि SEO क्या होता है और इसके बताने वाला हूँ आपको चार पॉइंट। क्या सही तरीका क्या है, ये सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके चार पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप SEO क्या होता है, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में आ गया होगा कि यार ये SEO होता क्या है। सेकेंड पॉइंट ये है कि SEO क्या काम आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि SEO हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि SEO कौन से ऐप से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला कि ये SEO क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि SEO क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि SEO क्या होता है। दोस्तों SEO का मतलब, SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, SEO से क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है YouTube अपने जो भी आप अपने कंटेंट पे वीडियो बनाते हो, इसे आप अपलोड कर देते हो YouTube पर, उसे सर्च में यानी कि किसी और ऑडियंस के पास में भेजने का काम करता है, उसे ही हम SEO कहते हैं। दोस्तों हम जब कोई भी YouTube पर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो वीडियो हमारे सामने आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे सर्च करते हैं, तो इसे ही कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे कि SEO क्या होता है। अब SEO का सेकंड पॉइंट ये है कि SEO क्या काम आता है। तो दोस्तों जब हम अपना YouTube वीडियो बनाते हैं, उसे एडिटिंग करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, अपने वीडियो को YouTube पर अपलोड कर देते हैं बिना SEO किए, तो क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है वो रैंक ही नहीं कर पाता, हमारे वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आते, हमारा वीडियो जहाँ की वहाँ रहता है। अगर 4-5, 10-20-50 व्यूज़ आ रहे हैं तो हमारा वीडियो वहीं की वहीं रहता है और वो सर्च में नहीं आता। अगर कोई वीडियो सर्च कर रहा है तो बड़े यूट्यूबर की वीडियो को सर्च में आता है, लेकिन हमारा वीडियो सर्च में नहीं आता क्योंकि हमने उसका SEO किया ही नहीं है। दोस्तों यही काम आता है कि SEO हमारे YouTube वीडियो को सर्च में लाने का काम करता है। दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे कि सर्च में लाने का काम SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। थर्ड पॉइंट यह है कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। दोस्तों तो सबसे पहले बता दूँ कि आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जिसका नाम है TubeBuddy। TubeBuddy और उसके साथ में एक और ऐप है जिसका नाम है VidQ। ये दो ऐप से आप अपने वीडियो को SEO करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपने YouTube वीडियो पर अपलोड कर सकते हो। दोस्तों तो इसका मैं एंड स्क्रीन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दूंगा कि आप अपना जब YouTube वीडियो बनाते हैं उसे अपलोड करने के पहले उसका SEO अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दे दूंगा। आप वहां से सीख सकते हो कि आप अपने YouTube वीडियो का SEO अच्छे तरीके से करके अपने वीडियो को YouTube पर अपलोड कर सकते हो। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है कि आपका वीडियो ज़्यादातर रैंक करेगा और आपके व्यूज़ बढ़ेंगे और YouTube आपके वीडियो को सर्च में लाने का काम करेगा, यानी कि जब भी कोई नई ऑडियंस YouTube पर सर्च करेगी आपके कंटेंट की वीडियो, तो वहाँ पे फ्रंट पेज पे आपके वीडियो को आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों और जहाँ तक के पॉसिबिलिटी ये है कि आपका वीडियो फर्स्ट पे आए, सेकंड पे आए या थर्ड पे आए, तो यही फ्रंट पेज पे आने के लिए ही हम अपने YouTube वीडियो को, हम अपने वीडियो का SEO करते हैं। दोस्तों इसे ही कहते हैं SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से SEO करने के बाद में हमारा वीडियो रैंक करने में बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करता है। दोस्तों हमारे व्यूज़ भी बढ़ते हैं, इससे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और अच्छा खासा एक बेस बन जाता है। दोस्तों लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो को कंटिन्यू रखना है। दोस्तों ये नहीं कि एक वीडियो डाल दिया SEO करके और हमारा वीडियो रैंक ही नहीं कर पा रहा, हमारे वीडियो में व्यूज़ ही नहीं आ रहा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको एक दिन के आठ वीडियो डालना है, पॉसिबिलिटी हो सके तो डेली वीडियो डाले या हफ्ते में कम से कम यानी वीकली 3 वीडियो तो आपको डालना ही है। लेकिन डालना कैसे है, आपको अपने YouTube वीडियो पर SEO करके ही आपके वीडियो को
अपलोड करना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपके व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और अच्छा खासा बेस मिलेगा दोस्तों आपको व्यूज का। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए मैं नए नए कंटेंट के वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड स्क्रीन पे कि आप अपने यूट्यूब वीडियो का SEO आसान तरीके से और अच्छे से कैसे करते हो। तो चलिए हम चलते हैं एंड स्क्रीन पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके आपको बताता हूँ कि SEO कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने लगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियो का SEO कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको जाना अपने प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको अपने प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सर्च करना है ट्यूबबडी। इस ऐप को आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसलिए सिर्फ आपको बताने के लिए ही मैं फिर से एक बार ये कर लिया। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, अलाउ करना है। जिस भी जीमेल पे आपने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है आपको उसी से लॉगिन करना है दोस्तों इसे। तो सिंपली चलते हैं हम बैक। अब दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको जाना है यहाँ पे अपने वीडियो पे। अब जैसे आपने जो भी वीडियो डाल रखा है, जैसे मैंने ये वीडियो डाल रखा है यहाँ पे कि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कैसे लगाए, तो दोस्तों यहाँ पे जाना है आपको एडिट में। अब एडिट में जाने के बाद में देखिए दोस्तों मेरा टाइटल भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कैसे लगाए, सही तरीका टैग डिस्क्रिप्शन लगाने का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया, और सेम प्रोसीजर मैंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लगाया दोस्तों, सेम प्रोसीजर देखिए, फर्स्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये टाइटल लगाया दोस्तों। अब क्या करना है, इसे ही हमें टैग में भी यूज़ करना है दोस्तों। इसकी आधी लाइन जो कि जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कैसे लगाते हैं, तो इतनी लाइन हमें टैग में डालना है, वैसे ही दूसरे प्रकार से सही तरीका टैग्स टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाने का क्या है। तो दोस्तों टैग्स भी इस प्रकार से हमें डालना है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें जाना है सिंपली बैक। बैक जाने के बाद में हमें जाना है दोस्तों ट्यूबबडी पर। जैसे ही हम ट्यूबबडी पर जाएंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। अब हमारे वीडियो सही बना है या नहीं बना है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कैसे लगाते हैं, तो देखिए ये मेरा वीडियो रहा यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग, हम करेंगे इसे सिंपली क्लिक। अब दोस्तों सिंपली क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपलोड हाई रेस थंबनेल, यानी कि आपको HD थंबनेल बनाना है दोस्तों। आपको जो अपना थंबनेल आप बनाओगे उसे HD क्वालिटी में बनाना है दोस्तों, तभी यहाँ पे राइट क्लिक आएगा। दूसरा है दोस्तों एड टैग टू योर टाइटल। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटल को टैग में डालना है और डिस्क्रिप्शन में डालना है, तभी आपको यहाँ पे राइट का सिंबल आ जाएगा दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है एड टैग टू योर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइटल जो आप बनाओगे उसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है और टैग में डालना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जाना है ऐड कार्ड में। तो दोस्तों आपको गूगल क्रोम में जाके अपने चैनल पे जाके आपको क्या करना है, आपको एंड स्क्रीन में आपके दो वीडियो, तीन वीडियो या एक वीडियो आपको लगाना है, आई बटन पे आपको लगाना है दोस्तों। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना के बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से लगाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये SEO कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो जैसे हमारे ट्यूबबडी में हमको बताता है ये राइट के सिंबल यहाँ पे आ जाता है, तो समझ लो कि हमारा वीडियो का SEO कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जाना है आपको टैग में। देखिए दोस्तों यहाँ पे टैग कौन कौन से रैंक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्यूबबडी के माध्यम से मालूम पड़ जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको मेरी जानकारी पसंद है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद है तो लाइक, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू।